आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज। कुंभ मेला स्थल के लिए रविवार को जिला प्रशासन द्वारा हटाए गए अतिक्रमण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। काश्तकार विशाल शर्मा ने अपनी जमीन पर बनी चार दीवारी को तोड़ जाने को उच्च न्यायालय की अवमानना बताया है। काश्तकार विशाल शर्मा ने बताया कि मांडे तहसील की बेगमपुर खादर में खसरा नंबर 176 व डांगोली खादर की खसरा नंबर 514 का कुछ हिस्सा उसके नाम दर्ज है। यमुना रिवर फ्रंट विकास योजना के दौरान भी सिंचाई विभाग द्वारा उसकी जमीन के अधिग्रहण का प्रयास किया गया था। सन 2016 में जिला प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई न करने पर उसने उच्च न्यायालय की शरण ली थी, जिसमें उच्च न्यायालय की बेंच ने अग्रिम आदेश तक स्थानादेश दिया गया था। साथ ही दीवानी न्यायालय में भी उसके पक्ष को सही माना गया था। उसके बावजूद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी जमीन पर बनी करीब 7 फुट ऊंची चार दीवारी को ढा दिया गया है। श्री शर्मा ने जिला प्रशासन पर मनमाने ढंग से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। एक्चुअली कल जब मेरे को सूचना मिली कि मेरी जमीन पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अतिक्रमण लगा दिया गया है और आनन फानन में मतलब 2 घंटे में ही पूरी बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। ये बाउंड्री वॉल 2016 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय की संयुक्त टीम के द्वारा ही अंकित कराई गई। बाउंड्री वॉल अंकित होने के बाद में भी जब इनके हस्तक्षेप बंद नहीं हो रहे थे, सिंचाई विभाग के या सरकारी विभाग के हस्तक्षेप बंद नहीं हो रहे थे, तब मेरे को पुण्य न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को, सहायक अभिलेख अधिकारी महोदय को, SDM मार्ट महोदय को निषेध आज्ञा द्वारा निषेधित किया गया। और जो आदेश आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्लस सिविल कोर्ट तीनों जगह से ही आदेश पारित है और पूरी तरीके से इन लोगों को संपत्ति में दखलंदाजी करने से रोक लगाई गई है, जो आदेश आज दिनांक तक यानी अपने पावर में है, उसके बावजूद बिना किसी पूर्व नोटिस, बिना किसी पूर्व सूचना के मेरी संपत्ति को ध्वस्त किया गया, तोड़ दिया गया, चंद पलों में गिरा दिया गया। क्या मेरा मौलिक अधिकार इस बात का नहीं है कि आप मेरी संपत्ति में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण लगाने जा रहे हैं? तो उससे पूर्व कोई सूचना मुझको दी नहीं चाहिए। बिना किसी सूचना के आपने 20 से 25 लाख रुपए मेरी बाउंड्री वॉल में, क्योंकि RCC की बाउंड्री वॉल ये मैंने 2016-17 में निर्माण कराया था, 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आया और उस 20-25 लाख रुपए प्लस कमरा बनवाया था मैंने उसमें, तो उस चीज को चंद पलों में ध्वस्त किया गया बिना किसी सूचना। कोर्ट की अवमानना हुई है इस मामले में? जी, कोर्ट की अवमानना माननीय उच्च न्यायालय की, तोड़ने से दो आदेशों की अवमानना है। पहले से ऑलरेडी 2 कंटेम्प्ट इनके पास चल रहे हैं, फिर उसके बाद में सिविल कोर्ट के आदेश की अवमानना है। उसी के साथ साथ जब ये संपत्ति पर इन लोगों के अतिक्रमण नहीं रुक रहे थे, तो मैंने फाइनली हाई कोर्ट में इस बात को निवेदन करते हुए रिट फाइल की है कि यदि उक्त संपत्ति की, मेरी संपत्ति की यदि इनको इतनी आवश्यकता है, तो उस पर मेरे को प्रतिकर भुगतान करते हुए उस संपत्ति को लीगल वे में आप मुझसे ले लें। और वो उसमें भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा काउंटर दाखिल किया जा चुका है, उस काउंटर पर के बाद में हमारा रिजॉइंडर दाखिल है और फाइनल हियरिंग के फाइनल आदेश में वो फाइल आज दिनांक तक लगी हुई है। अब इतनी सारी चीज़ों की अनदेखी करते हुए जिलाधिकारी महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय का क्या निज हित है। कुंभ क्षेत्र की ये जमीन को वहाँ स्थापित बताते हैं, कुंभ क्षेत्र में साहब संपत्ति आई है हमारी। ये संपत्ति जो है मैंने सन 1960 और माननीय न्यायालयों के अंतरण से पहले SDO महोदय ने आदेश किया, अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट होने के बाद में किसानों के नाम आए, उसके बाद में संपत्ति संक्रमण भूमि दर हुई, संक्रमण भूमि होने के बाद में क्रमगत तरीके से ये संपत्ति बिकती चली आ रही है, जिसको मैंने परचेज किया है। सारा मैंने उसमें लीगल चेक कराने के बाद में पूरी संपत्ति का मैंने पूरा लीगल चेक कराया और लीगल में जब मुझको लगा पूरी तरीके से साहब ये संपत्ति का टाइटल ओके है, तब मैंने ये संपत्ति परचेज किया, ना कि वाले मैंने ऊपर से कुछ पेपरों को देखकर ही ये संपत्ति परचेज नहीं कर ली है। इस संपत्ति को बिल्कुल वैधानिक अंतरण से इस वाली बात को जब मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मैंने अपनी बात रखी है, न्यायालय में गया हूँ, तो जिलाधिकारी महोदय सर्वज्ञ राम मिश्रा जी द्वारा स्वयं
इस बात को स्वीकार किया गया है कि विशाल शर्मा अपनी संपत्ति पर वो रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को प्रेषित की गई है और जिलाधिकारी महोदय ने इस वाली बात को स्पष्ट किया है कि विशाल शर्मा अपनी संपत्ति पर वैधानिक अंतरण से व माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम पर अंकित है, जिसको लेकर किसी प्रकार का रेवेन्यू विभाग में विवाद नहीं है। जब सर्वज्ञ राम मिश्रा जी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ही इतनी स्पष्ट रिपोर्ट नीचे से लेकर ऊपर प्रशासन स्तर पर दी जा चुकी हैं, तो फिर ऐसी क्या मुझसे पर्सनल रंजिश थी कि इस संपत्ति में बिना मुझे कोई नोटिस दिए इस संपत्ति को ध्वस्त किया गया, 20-25 लाख रुपए की मेरे को आर्थिक हानि दी गई है जी। यदि उस संपत्ति को मैं आज की डेट में निर्माण कराता हूँ तो उस पर 30 लाख रुपये का खर्चा आता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि कागजों में आपके जो खसरा खतौनी नंबर है उसके हिसाब से और वास्तविक जो वस्तु स्थिति के हिसाब से जमीन में ये वृंदावन खादर से बेगमपुर खादर में सन 1960 में मुकदमा वाद संख्या 1 तारीख फैसला 17/7/1960 से जमीन ट्रांसफर की गई, जिसके बाद ये नंबर का 170 नंबर का गठन हुआ सन 1960 में। जब 170 नंबर बना तो मेरी संपत्ति को वटा नंबर करते हुए मेरी संपत्ति अलग की गई है, तो ये जो जमीन है ये शुरू से ही निर्धारित है, अपनी जगह पर अंकित है, क्योंकि 2016 में जब मैंने हाईकमान उच्च न्यायालय में रिट फाइल की है तब जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं जमीन की तकरीबन 3 महीने पैमाइश चली, 3 महीने पैमाइश के बाद में गुनिया से जरीफ से प्लस यमुना महारानी यमुना नदी की पैमाइश हुई है, नदी के बाद में साहब खेतों की पैमाइश हुई है, प्लस है नहीं इधर तो आपकी नगर निगम तुम्हारा थाना कोतवाली से पूरी है नहीं आबादी की पूरी पैमाइश हुई है, और जो निर्धारित बिंदु जो शुरू से चले आ रहे हैं जिसके आधार पर राजस्व विभाग पैमाइश करता चला रहा है, उन बिंदुओं के आधार पर मेरी संपत्ति को यथास्थान पाया गया है। उस रिपोर्ट को जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं काउंटर में हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में कई बार दाखिल किया, जब मेरी संपत्ति ऑलरेडी माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ही अंकित किया गया है, जो पूर्व भूमि यथास्थान पाई गई है, तो फिर उस चीज पर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट ही नहीं है कि मेरी संपत्ति कहीं और हो सकती है, क्योंकि मेरा भट्टे का नंबर है, मेरे यथास्थान पर है, मेरी संपत्ति वहां अंकित है। तो